नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आज 11 फरवरी को एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। तो दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि किस तरह का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का। तो एसएससी जीडी से पेपर संबंधित ही इस वीडियो में बात करूँगा दोस्तों, और आज के प्रश्न दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर था श्यामचरण दवे। तो दोस्तों, परंपरा पुस्तक का पूछा गया था, तो यहाँ से इतिहास, बौद्ध और संस्कृति पुस्तक को भी आपको ध्यान रखना है, इनके भी लेखक पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मद्रास से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप। तो दोस्तों, आप हॉकी से संबंधित क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी। तो इस तरीके से कि क्योंकि दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट पूछा गया था, गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी थी। तो दोस्तों, गुप्त शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, शरीर की सबसे बड़ी छोटी मांसपेशी कौन सी है। इसका सही आंसर है स्टेपीडियस, जो मांसपेशी है वो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो रोजर फेडरर हैं वो किस देश के निवासी हैं। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो दोस्तों जैसे कि नवरत्न से पता लग रहा है, तो उसमें 9 रत्न थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर है। तो दोस्तों, परियोजनाओं को भी एक बार याद ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस से है। तो इसका सही आंसर है सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुक्केबाजी के परिसर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंद्रियातीत का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो। ये हिंदी का क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनका लेवल भी ठीक आ रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, हिंदी में जो पर्यायवाची हैं वो भी अहम रोल निभाएंगे, तो उनको भी याद कीजिएगा। पूछा गया था, मृग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका है चमरी और कस्तूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम पूछा था। इसका सही आंसर होगा विज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यय से तो कसोटी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ओटी प्रत्यय। तो दोस्तों, आप ध्यान से कर सकते हैं, इस प्रत्यय से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद कीजिएगा। समास से पूछा गया है, तो हाथ में कौन सा समास है। इसका सही आंसर अव्ययी भाव समास। तो समास भी आपको ध्यान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम, जो मैथ के बताते हैं। तो मैथ में दोस्तों, आप देख सकते हैं औसत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, जो हिंदी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शुद्ध अशुद्धि से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ से भी याद कीजिएगा। तो दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, औसत से संबंधित क्वेश्चन आपने देखा, ये औसत से क्वेश्चन आया, उसके बाद मैथ से आया है, मैथ में दूसरा ये आया है, और ये तीसरा आप देख सकते हैं कि जो दिशा से संबंधित ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, ये इनमें क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हमने भी ये इकट्ठे किए हैं किसी से पूछ करके, तो इनमें भी कुछ लिखने में अशुद्धि हो सकती है या फिर बताने में गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक शहर की जनसंख्या 7000 थी, तो जिसमें 8% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में भी। तो दोस्तों, जो हमारे पास अवेलेबल हो पाए वो सभी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। और मैसेप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4-8 का मैसेप पूछा है। दोस्तों, मैथ का लेवल कोई खास नहीं आ रहा, कि आराम से जी आ रहा है, आराम से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और दोस्तों, ये छूट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप छूट से भी देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और ये देखिए दोस्तों, किसी संख्या के दो अंकों का योगफल 13 है तो इस संख्या में 9 घटाए जाते परस्पर अंक बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर आया था 76। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो आप उसको ज़्यादा सीरियस ना लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल दिया हुआ है तो छोटी छोटी संख्या बतानी, तो इसका सही आंसर आया था 19। और नेक्स्ट क्वेश्चन लैसे पैसे पूछा गया था। और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं, जो 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गियां खाते हैं तो 40 कुत्ते ऐसी 40 मुर्गियां कितने दिनों में खाएंगे? तो इसका सही आंसर आया था 10। तो दोस्तों ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं याद, और इस तरह की मैथ और रीजनिंग इसी तरह की पूछी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ताज़ा अपडेट देते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है।